हेलो दोस्तों, गेमिंग जोन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम दो गेम ट्राई करेंगे। पहले NFS को ट्राई करेंगे, उसके बाद रेजिडेंट ईविल 4 को। देखते हैं कितनी बढ़िया चलेगी। जो फिलहाल हमने NFS चलाई हुई है, इसमें रिजोल्यूशन 1.5x है। मैक्स आप 1.5x इस चिपसेट के साथ ट्राई कर सकते हो एज ऑफ नाउ। फ्यूचर में मे बी और ज़्यादा कर पाओ। फिलहाल 1.5 के साथ प्लेबल चल रही है, नियर 30 FPS है। एथर SX2 के डेवलपर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। यहाँ पर रिजोल्यूशन है ना, ये धीरे धीरे घटा रहे हैं। 2x पर अब उतना रिजोल्यूशन नहीं है जितना पहले हुआ करता था। एंड ये मैंने सेकेंड टाइम नोटिस किया अभी तक जब से ये एमुलेटर आया है। वैसे गेम ठीक चल रही है, 1.5x प्लेबल क्वालिटी है। ज़्यादा शार्प भी नहीं है और एकदम डल भी नहीं है। करंट ऑप्टिमाइजेशन के साथ 1.5 एंड 1x इन दो रिजोल्यूशन पर आप बढ़िया से खेल सकते हो इस गेम को। फ्यूचर में आप 2x पर भी ट्राई कर पाओगे इसको। टेस्टिंग बहुत लंबी है, पर मैं छोटा ही हिस्सा दिखाऊंगा। जो मेन मेन हिस्सा है वही दिखा रहा हूँ इसका, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा मतलब लो FPS हुए थे इस गेम में, वो वाली लोकेशन भी मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में ही। वैसे गेम में कंट्रोलर बढ़िया से काम कर रहा है। इसमें AGNS में कल दिक्कत कर रहा था, पर आज ठीक से काम कर रहा है। मैंने इसको थोड़ा सा क्लीन किया है गेम पैड को। ये एक लोकेशन है जहाँ पर फ्रेंड रोप ज़्यादा है, इसके अलावा बाकी लोकेशन पर मेरे को फ्रेंड रोप नहीं मिला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गेम में कहीं और फ्रेंड रोप नहीं होगा। इसी तरह की जो भी लोकेशन होंगी, इसी तरह के ग्राफिक वगैरह होंगे जहाँ पर वहाँ पर आपको फ्रेंड रोप देखने को मिल सकता है। इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप एक बार देख लो। बेसिक सेटिंग्स हैं जो मैं आजकल हमेशा रख रहा हूँ, थोड़ा बहुत ही चेंज मिलेगा। वल्कन API पर ट्राई किया था, OpenGL के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था। FPS में बड़ा डिफरेंस नहीं था, पर मामूली सा था। वल्कन के साथ ज़्यादा स्टेबल है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट है। व्हीकल जब एक जगह खड़ा रहता है तो फ्रेंड रोप होता है, जैसे ही गाड़ी चलती है तो वापस से 30 हो गया स्टेबल। अब रेजिडेंट ईविल 4 को ट्राई करते हैं, देखते हैं वो कितनी बढ़िया चलेगी। उसमें हम 2x रिजोल्यूशन ट्राई करेंगे, सेटिंग्स सेम रहेंगी, सिर्फ रिजोल्यूशन चेंज करेंगे। रेजिडेंट ईविल 4 30 FPS पर चल रही है, 29 point something होगा। सो 30 FPS पर गेम चली हुई है। सेटिंग्स सेम रखी हैं, मैंने पहले ही बताया। रिजोल्यूशन 2x है इसमें, उसमें 1.5x था, इसमें 2x है। 2x पर ये प्लेबल चल जाती है स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 के साथ। 6 GB रैम वेरिएंट है। 4 GB रैम वेरिएंट में भी आपको कुछ खास दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, सिमिलर एक्सपीरियंस रहेगा क्योंकि काफ़ी फ्री रैम बच रही है डिवाइस में। इस गेम की भी मैक्स FPS 30 है। पहले कभी डेवन PS2 के साथ ट्राई किया था इसको, तो उसमें ये 60 FPS पर चल जाती थी। गेम की रियल FPS 30 है, 60 चल जाती थी क्योंकि उसमें कुछ मोड वगैरह कुछ इस्तेमाल किया हुआ था, जिसकी वजह से रियल 60 FPS मिलते थे। इसमें भी मिल सकते हैं, इसमें आपको मोड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। पहले हुआ करता था डेवन PS2 में, पर उस तरह की मोड यूज करने के ना नुकसान है। उससे क्या है कि डिवाइस ठीक से परफॉर्म नहीं करेगा, डबल FPS हो जाएगी। एंड ये गेम इस तरह से डिज़ाइन नहीं है। मोड से कई बार क्या है कि बहुत सारी गेम आपकी बढ़िया चल जाती हैं, पर कई बार गलिच भी हो जाती है। गलिच हो गई तो फिर आपको पूरी स्टेज फिर से करनी पड़ेगी, पर ऐसा है कि परफॉर्मेंस अनस्टेबल मिलेगी कोई भी मोड यूज कर लो आप, जिससे आपके FPS डबल हो जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हो डोर के पार में एकदम सीधा ही भगा ले गया प्लेयर को, एक FPS भी ज़्यादा ड्रॉप नहीं किया है। इसमें मिनिमम FPS मैंने है ना 27 नोटिस किए हैं, उसके नीचे FPS नहीं गई। वो 27 भी शायद एक बार ही गया था। एमुलेटर ठीक से ऑप्टिमाइज है इस गेम के लिए। एंड ये चिपसेट जो है 4 Gen 1 2x पर इस गेम को इजीली हैंडल कर लेता है। अगर आप लंबे टाइम तक ट्राई करते हो, जैसे आधा एक घंटा 2 घंटा ट्राई करते हो, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बढ़िया चलने वाली है। मिनिमम FPS तकरीबन 1 घंटे गेम प्ले में मैंने 27 नोटिस करी थी, जो कि एक ही बार गई थी। वैसे अधिकतर 29 पर ही गेम चलती है, जो कि 30 FPS है। इस ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मतलब क्लिप ख़त्म होने के बाद गेम स्टार्ट होती है तब हल्का सा ड्रॉप आप देखते होगे, इस ड्रॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो वैसे ही दिखाता है, ये पहले क्लिप के लिए काउंट कर रहा था, बाद में गेम प्ले के लिए काउंट कर रहा है। वो चेंज होता है तो उसके बीच में वहाँ पर ड्रॉप दिखाता है, पर वहाँ पर कोई FPS ड्रॉप नहीं होता। कई बार एमुलेटर के साथ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि जिसमें FPS ड्रॉप होने के बाद भी नहीं दिखाता है, फुल FPS दिखाता है, जो कि इस एमुलेटर में स्टार्टिंग में हुई थी 2-3 बार। डेवन PS2 में तो बहुत बार हुई थी। डेवन PS2 के डेवलपर भाई बहुत मतलब गलत व्यवहार है उनका,
एंड उनके साथ काफ़ी अच्छा हुआ है, लास्ट में मेरे ऊपर स्ट्राइक मारी थी 2 बार, और जैसे मेरी बात हुई तो मेरे को ये बोला था स्ट्राइक हट जाएगी, वीडियो डिलीट कर दूँ और लिंक डिलीट कर दूँ, और करने के बाद हटाई नहीं। फिर मेरे को 3 मंथ तक वेट करना पड़ा था, और रीज़न पता है क्या था स्ट्राइक का? एक बार क्रैक आया था डेवन PS2 का, जिसमें चाइना के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ था। मैंने उसका और ओरिजिनल वाले का कंपैरिजन किया था, और मैंने यही बोला था कि वो फेक है, उसको इस्तेमाल मत करो। एंड उस वीडियो पर स्ट्राइक मार दी, मतलब मैं उनके फेवर में बोल रहा था, एंड मेरे ही अगेंस्ट स्ट्राइक आई थी। मैंने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करी थी पर नहीं माने वो। सेकेंड स्ट्राइक जो आई थी उस पर, उसमें मेरी गलती थी, उसमें मैंने लिंक शेयर किया था क्रैक फाइल का, तब आई थी। उसके लिए मैंने नेगोशिएशन करने की कोशिश करी थी, तो डिमांड रखी थी कि हर वीडियो के जो भी डिस्क्रिप्शन है उसमें है ना डेवन PS2 का लिंक होना चाहिए, एंड उसको वीडियो को और उस लिंक को डिलीट कर दूँ। वो वीडियो एंड लिंक मैंने डिलीट कर दिया, एंड जो भी वीडियो थी उनमें उसका लिंक डाल दिया था डेवन PS2 का, कि स्ट्राइक हटते ही मैं कर दूँगा, इनको हटा दूँगा। भाई बदल गए वो, उनका ना आया फिर रिप्लाई। उस टाइम इस चैनल पर तकरीबन 1,000 के आसपास वीडियोस हुआ करती थी, 1,000 के ऊपर ही थी, काफ़ी टाइम पहले की बात है, 2019 की बात है। एंड वीडियोस मैंने बहुत सारी डिलीट करी हुई हैं, बहुत सारी प्राइवेट हैं अदर रीजंस की वजह से, किसी में लिंक दिया हुआ है, किसी में कुछ हुआ है, किसी में कॉपीराइट क्लेम पड़ गया है। NCS जो आपको फ्री म्यूजिक प्रोवाइड कराते हैं, उन सॉन्ग पर भी आपको स्ट्राइक पड़ जाती है। वैसे तो कॉपीराइट क्लेम पड़ता है, पर उसको अगर कोई कंपनी खरीद लेती है एंड उसके ऊपर कोई सॉन्ग बना दे, ट्रैक को यूज़ करके कोई सॉन्ग बना देती है, तो आपको स्ट्राइक भी मार सकते हैं। सो ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, एक बार पहले बोला था मैंने, NCS म्यूजिक के लिए मेरे को स्ट्राइक पड़ी थी। NCS के जो भी चैनल हैं उनके है ना गाने हट जाते हैं, पुराने आप ढूंढोगे ना वो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो बेच रखे हैं। तो इस वहम में मत रहे ना कि आप NCS ट्रैक यूज़ करोगे तो स्ट्राइक नहीं आएगी कभी, क्या पता 5-10 साल बाद आए। इसी तरह से बहुत सारी स्ट्राइक कॉपीराइट क्लेम वगैरह आए, एंड मैंने बहुत सारी वीडियोस रिमूव कर रखी हैं। जो ओल्ड वीडियोस थी उनमें हिंदी गाने यूज़ किया करता था मैं, काफ़ी टाइम पहले की बात है, आवाज़ यूज़ नहीं किया करता था, वो सारी वीडियो मेरे को हटानी पड़ी थी। एक बार प्राइवेट वीडियो पर भी स्ट्राइक आई थी, पहली बार सुना होगा प्राइवेट वीडियो पर भी आ जाती है स्ट्राइक, अगर आपने वीडियो प्राइवेट कर रखी है एंड वो पहले से डिटेक्ट हो रखी है वीडियो, तो उस पर स्ट्राइक लग सकती है। पहली वीडियो इस चैनल पर 2014 या फिर 2015 में अपलोड करी थी मैंने, जो LOQ 800 की मतलब कैमरा रिकॉर्डिंग थी, पता नहीं क्या था, मेरे को याद नहीं है। उसके बाद मैंने PPSSP के कुछ गेम्स ट्राई किए थे, उसमें वो अपलोड किए थे, उन सभी में म्यूज़िक ट्राई कर रखा था मैंने, तो सारी वीडियो डिलीट करनी पड़ी थी। उस टाइम रेगुलर अपलोड नहीं करता था, महीने में एक वीडियो अपलोड कर दी, इस तरह से अपलोड करता था। तुम्हारा भाई बहुत पुराना कंटेंट क्रिएटर है, अबाउट सेक्शन चेक कर लेना इस चैनल का। मेरी आईडी 2014 में फर्स्ट टाइम बनी थी इस पर, यूट्यूब पर। हर तरह की प्रॉब्लम जो भी हो सकती है कंटेंट क्रिएटर को, सारी फेस कर रखी है मैंने। बाकी आज इस वीडियो में इतना ही था। झुकेगा नहीं।